नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधौड़ के रामनगर रोड पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में हाई सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र की मौत व तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राधौड़ थाना अंतर्गत कड़ैया गांव के समीप की है। दो ऑटो राधौड़ की तरफ जा रहे थे। एक ऑटो में ऑटो चालक व दो स्कूली छात्र छात्राएं सवार थे। छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे थे। वहीं दूसरे ऑटो में ऑटो चालक व उसकी मां सवार थी। बस सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। पीछे वाले ऑटो चालक ने अपनी ऑटो को आगे निकालने के चक्कर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ऑटो दो तीन पलटी खाकर गिर गया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। मृतक का नाम गोलू कुशवा निवासी रामनगर, उम्र 19 वर्ष है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलने के बाद राधौड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। थाना कौन सा लगता है? राघोगढ़। पता है क्या हुई घटना बच्चे के साथ में? ये सुबह ट्यूशन के लाने आए थे ये बच्चे, सुबह 7 बजे करीबन कोचिंग के लाने आते थे। कहाँ पे आते थे? ये राघोगढ़। अच्छा। हाँ, राघोगढ़ यानी टैक्सी वाले हैं ना, ये ड्राइवर आगे पीछे है नहीं, भगा रहे थे गाड़ी इनको, रेस कर रहे थे। हाँ, जब ये घटना हुई है। क्या घटना हुई है? ये मेरा भतीजा खत्म हो गया। कितने साल का था आपका भतीजा? ये 18 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 11वीं। तो क्या ऑटो पलट गई? हाँ, ऑटो पलट गई, दो ही ऑटो पलट रही। तो कितने बच्चे थे ऑटो में? हाँ, मैं तीन लड़कियाँ बता रहे हैं और दो लड़के थे। किसी को चोट आई? और एक तो है नहीं, ड्राइवर की मम्मी को अभी आई है। मतलब बच्चा एक ही खत्म हुआ है? हाँ। क्या नाम था बच्चे का? गोलू कुशवा। गोलू कुशवा। करीबन कितने बजे घटना आई है? करीबन 7-1 बजे करीबन घटना आई। बराबर से भड़क गए, पलट गई। तो कैसे आ रहे थे आप? ऑटो ही ऑटो। कैसे भिड़ी है गाड़ी? ऑटो। कितने लोग थे आप ऑटो में? हम तो दो ही मैदान बैठा थे, एक में तो और दूसरे में एक में और मनमड़ी आते थे, स्कूल वाले थे। फतेहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पार्टी में एक युवती की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। युवती के पिता के अनुसार वह अपने खेत में दवा का छिड़काव कर रहे थे। वहीं पास में ही उनकी बेटी और पत्नी थी। अचानक उनकी बेटी चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद उसे उल्टी हुई और उसकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही कि युवती की मौत संभवतः सांप के काटने से हुई होगी, या ये भी हो सकता है कि खेत में डाली जा रही दवा के चलते उसकी मौत हुई हो। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया है। ये जैसे अब दवाई छाट रहा था सोयाबीन में। अच्छा। ये पानी ला रही थी। कौन? अपनी बच्ची। कितने साल की है? 20-22 साल की है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इसको मतलब पानी भरते भरते कोई ये पानी ला रही थी, एकदम चक्कर आया। मैं दवाई छटक ही रहा था उसमें। ठीक। जब एकदम चक्कर आते इसकी मम्मी पास में थी ना, उसने की छोरी कर गई, छोरी कर गई। फिर मैं बस आया, जब फिर देव सीख मिली मैं। तो क्या हुआ उनके साथ? उल्टी करी फिर। तो किसी चीज़ ने काटा है उन्हें? हाँ, वो काटा, क्या करा है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पैर में या कुचड़ा निशान हो रहे हैं। हाँ, मतलब कैसे निशान लग रहे हैं आपको? जैसे सांप के काटने जैसे निशान लग रहे हैं। कैसे? सांप काटता ना वो। हाँ, जैसे ये नहीं है। छात्र संघ DSO ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सीटों की कमी के चलते प्रचार को सौंपा ज्ञापन। छात्र संगठन DSO के कार्यकर्ताओं की माने तो ऐसे कई युवक एवं युवतियां हैं जिनके 70% से ज्यादा अंक आए हैं, इसके बाद भी उन्हें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिसका मुख्य कारण जगह की कमी बताई जा रही है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय के प्राचार्य को इस बारे में जल्द ही निर्णय लेने की बात कही गई। प्राय देखा जा रहा है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम
माध्यम से शिक्षा पाने की बात करते हैं। वहीं गुना के महाविद्यालय में सीटों की कमी के चलते कई छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 500 से 700 स्कूली छात्र छात्राएं इस वर्ष कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे, जबकि इनमें से कईयों के वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस ज्ञापन देने के बाद क्या छात्र छात्राओं का भविष्य को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं। वहीं चुनावी बिगुल बजने के साथ ही और भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करते हैं या नहीं। श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय स्नातक का महाविद्यालय जनक मध्य प्रदेश। देखिए, सभी छात्रों का प्रवेश 10% सीटें बढ़ाने की मांग पर गया था। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत विदित हो कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए CLC प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रसायन में 8, भौतिकी में 9, प्राणिकी में 6, वनस्पति में 8 ही सीटें खाली हैं एवं स्नातक स्तर पर BA में 171 एवं अन्य कक्षाओं के रिक्त। आज यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया DSU द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है कि जितने भी छात्रों ने अपने प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया है, उन समस्त छात्रों को एडमिशन दिया जाए। लेकिन अभी हालात ये है कि अभी CLC प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है कल से UG की, और कल PG की लिस्ट जारी होने वाली है। लेकिन हालात हैं कि मात्र 4-4, 5-5 सीटें जो है PG क्लासेस में बची हुई हैं, और UG क्लासेस में सेम BA में मात्र 100 सीटें बची हुई हैं। जबकि कई कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है। हालात ये है कि जिनके 70% है, 75% सरकार बोल रही है कि मेधावी विद्यार्थी योजना हम लोग चला रहे हैं कि मेधावियों को कम से कम लाभ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हालात है कि मेधावी विद्यार्थियों को भी यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर के हम लोग ये मांग कर रहे हैं सभी छात्रों की तरफ से कि जिसने भी कॉलेज में वेरिफिकेशन कराया है उसको प्रवेश दिया जाए। इस संबंध में आज यहाँ पर कॉलेज प्रचार से बात की है। मैडम का भी कहना है कि अभी हमारे कॉलेज में क्या सीट्स संख्या कम है, मतलब इतना पर्याप्त साधन नहीं है जिसमें हम लोग बिठा पाएँ। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहा है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हॉल और ज़्यादा बनवाए और नया कॉलेज खोले। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जब भी CLC की लिस्ट जारी है कॉलेज की तरफ से फिलहाल तत्काल में 10% सीटें बढ़ाई जाएँ, और जो एक पूरा का पूरा शिक्षा विभाग द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा और कॉलेज द्वारा जो 25% सीटें बढ़ाई जाती हैं वो बढ़ाकर सभी को प्रवेश दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज आपको ज्ञापन दिया। पुलिस के हाथ लगे 25,000 के इनामी 5 हथियारबंद बदमाश। यह बदमाश डकैती की योजना बनाते समय मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए। थाना प्रभारी अभिनीत शर्मा के अनुसार ईदगाह के पीछे 6 हथियारबंद बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे, जिनकी सूचना मुखबिर ने दी, जिसके बाद अलग अलग टीमों के माध्यम से इन अपराधियों को पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाशों में जैकी पारदी, गुरुदेव पारदी, रघुवीर पारदी, युवराज पारदी और सूरज पारदी बताया जा रहा है। इनके पास से तलवारें, लटवा 315 बोर की देसी कट्टा और जिंदा राउंड बरामद किया गया। बता दें कि युवराज और जैकी पारदी का नाम बहादुरपुर थाना अंतर्गत करीला मंदिर के रास्ते में इंदौर की दंपत्ति को लूटने में प्रकरण पंजीबद्ध है। साथ ही अशोकनगर पुलिस अधीक्षक ने इनको पकड़ने पर 10,000 का नाम भी रखा है। अच्छे कैमरा है अपने मोबाइल वाला थोड़ी है। तैयार करा रहे हैं डिजिटल रूम तैयार करा जो है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि इनामी पार्टी जो है जो आज कोई डकैती की योजना बनाते हुए पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं, जिस पर से हमने अपने सब इंस्पेक्टर राम शर्मा और उनके साथ जो कोर्स लगा हुआ है सभी की एक टीम बनाई गई, और साइबर सेल प्रभारी मसीह खान को भी के साथ भी उनकी टीम को लगाया गया, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP महोदय के निर्देशन के अनुसार उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें हमको 4-5 पारदी मिले। एक जेकी पुत्र बाबा पारदी, दूसरा युवराज, तीसरा सूरज, चौथा रघुवीर, पांचवा गुलदेव पारदी, जिनको हम पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। जेकी पुत्र बाबा पारदी पर जो है 15,000 का 10,000 का इनाम रहे, और युवराज पर 10,000 का इनाम है, और बाकी जो इनके साथ में अन्य पारदी पड़ते गए उन पर आसपास के जिलों में वारंट हैं, कई अपराधों में ये काफ़ी समय से फरार है।
इन पर कोई हथियार वगैरह बरामद? हाँ, इस पर जो है जय की पुत्र बाबा पार्थी पर जो है एक पिस्टल बरामद की गई और युवराज पर एक कट्टा बरामद किया और अन्य दो पार्थियों पर तलवार और लाठी बरामद की गई है। अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस उन पर शिकंजा कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसी कड़ी में बीती रात सेंट्रल स्कूल के सामने स्थित कॉलोनी में चोरों ने धावा बोल दिया और तकरीबन 1 लाख का सोना चांदी एवं नकदी लेकर चंपत हो गए। इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पकड़े होंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। इससे पहले भी गुना में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। अच्छी सी बनाए फिर पुलिस पकड़ लेंगे आपकी लिखे से सब ले जाएंगे। रात को ऐसा हुआ साढ़े बारह एक के आसपास मैं सब देख के सोया था गाड़ी वगैरह अंदर रख के। उसके बाद में फिर जो है ना कुछ पता नहीं लगा, 1:30 बजे के 1 से 3 के बीच ही आसपास का समय रहा हुआ। उस बीच में जो है ना चोरों ने कुंडी काट वगैरह काट के और अलमारी का ताला तोड़ दिया और इसमें जो सामान रखा हुआ था जेवर वगैरह छोटी बहू के वो उठा ले गए। तो सुबह जब हमको पता लगा कि रात में कुंदी लग रही थी तो कुछ लोग चिल्लाए के बोले हमें हमारे फाटक किसने लगा दिए, तो हमने ऊपर से बच्चा आया उसने कुंदी खोली और जब हमको ये पता लगा कि ये फल फुला हुआ पड़ा है और ये सब देख के फिर हमने तुरंत पुलिस को खबर की। घर से मम्मी पापा को बुलवाया, देखा तो इसमें उनको ही पता था इसमें क्या कुछ रखा है, तो उन्होंने बताया मम्मी ने इसमें ये चीज़ रखी थी। जब उनकी जानकारी लगी अपने को क्या क्या चोरी चला गया, इसमें छोटी बहू की ससुराल से छोटे भैया को चेन दी थी लगभग 2 तोले की चेन होगी और बैंदा था लगभग वो 96 के आसपास में और मम्मी के कुछ कान के टॉप्स रखे हुए थे तो ये चीज़ थी और चांदी की पायलें थी तो समथिंग चांदी होगी लगभग 1.5 किलो के आसपास और सोना होगा 3-1 तोले के, नकदी कुछ नहीं था। 1.25 लाख रुपये के आसपास का टारगेट तो है। नगर भ्रमण पर निकले भोलेनाथ। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा की पालकी नगर भ्रमण पर निकलती है। इसी कड़ी में आज जयस्तम चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से भोलेनाथ की सवारी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस जयस्तम चौराहे पर पहुंचेगी। इस सवारी में भोले के भक्तों ने नाचते गाते एवं जयकारे लगाते हुए अपनी हाजिरी दर्ज कराई। डीजी
हरियाणा न्यूज की खबर का असर आज बीजनूपुरा के जाने वाले रास्ते पर देखने को मिला। यहां बसे करीब 20 बीपीएल परिवार प्रधानमंत्री की विद्युत सौभाग्य योजना से वंचित थे। हरियाणा न्यूज द्वारा समाचार दिखाए जाने पर आज विद्युत विभाग के ठेकेदार ने खंभे गड़वाकर कार्य आरंभ किया। गोया बस्ती के रहवासियों ने हरियाणा न्यूज व सुपरवाइजर रवि चौहान के प्रयासों से अब उनके घर में विद्युत आने की उम्मीद जगी है। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। गांव की एक बेटी एकल विद्यालय के सहयोग से नन्हे बच्चों में अपने सपनों को कर रही साकार। ग्राम धरनावदा में एकल विद्यालय के माध्यम से सहयोग मिला तो भारती साहू ने अपने सपनों को आकार देना प्रारंभ किया। गांव की बेटी नहीं चाहती थी कि अब कोई भी बेटी किसी अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाए। जो बेटे बेटियां या बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते उनके लिए एकल विद्यालय के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। भारती साहू के हौसलों की बदौलत उनके घर में चादरों की छाया में कक्षा चलाती है। अभी तक इस विद्यालय में सैकड़ों बच्चे शिक्षा से लाभान्वित भी हुए हैं। एकल विद्यालय द्वारा कॉपी पेन बंटवाए गए हैं। समय समय पर भारती द्वारा गाँव में कई कार्य भी कराए जाते हैं। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। आरोन में शक्ति शर्मा के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगामी 13 अगस्त 2018 को नगर आरोन से बाबा विश्वनाथ धामदेवपुर सिरोंज तक विशाल कावड़ यात्रा की तैयारियों को संबंध में चर्चा की गई। आरोन के सभी समाजजनों के वरिष्ठ जनों ने उक्त बैठक में सहभागिता करते हुए कावड़ यात्रा को भव्यता प्रदान करने हेतु तन मन धन से जुट जाने का संकल्प लिया। ज्ञात हो कि भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में नगर आरोन में प्रथम बार कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उक्त बैठक में मुख्य रूप से मंटूलाल जैन, देशराज सिंह कलेरिया, महावीर सिंह, गणेश राम रघुवंशी, सूर्य प्रकाश जी नठाई, गोपाल सोनी बरसत, भूपेंद्र सिंह राजपूत, राम बाबू कुशवा, शिवा यादव, श्याम बाबू श्रीवास्तव, प्रदीप साहू, ओम प्रकाश बिंदेल, हरवीर सिंह रुसल्ला, संजीव शर्मा गोविंदपुर, राम भार्गव सहित नगर के समस्त पत्रकार बंधु मौजूद रहे। हमारे आरोन नगर में कई बार प्रयास किया जा रहा है और ऐसे प्रयास धार्मिक कार्यों की हिम्मत चाहिए। श्रावण मास चल रहा है, इसमें भगवान शंकर जी के लिए जाना जाता है और इसमें जितना भी हम लोग धर्म करते हैं उसका परोक्ष रूप में हमें इसका लाभ मिलता है। और कावड़ यात्रा जो आरोन से और देवपुर धाम के लिए निकाली जा रही है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं।
और भाई शक्ति जी और धन्यवाद। ये बाबा विश्वनाथ देवपुर धाम जो जग विख्यात है, उसमें आरोन नगर से पहली बार विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है आगामी 13 तारीख सोमवार को। उस संबंध में समाज के सभी जो समाज के लिए सक्रिय है, समाज के लिए जो धार्मिक कार्यों को जुड़े हुए हैं, समाज की जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जो सभी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, उनको अपन ने आमंत्रित किया है, इससे जुड़े और आरोन नगर में पहली बार बाबा विश्वनाथ की कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। और निवेदन सभी समाजों से, सभी समाज के पदाधिकारी जो हैं, ये कहां से कहां तक रहेगी कांवड़ यात्रा? ये संकादिक आश्रम से सीधी देवपुर धाम के लिए जाएगी, जिसमें पूरे आरोन ब्लॉक को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि इसमें जुड़े और धर्म लाभ उठाए। तो कौन सी तारीख में? ये 13 तारीख को सोमवार, श्रावण का सोमवार है, बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसेगी और सभी से बारंबार निवेदन है कि इसमें सम्मिलित हो और धर्म लाभ लें। संदर्भ में इतना ही कहूँगा, ये आरोन नगर का गौरव है, जहाँ विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय और विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी ये हमारा गर्व की बात है और हमारे आरोन नगर का गौरव है। कोई भी धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सनातन धर्ममंडल का हो, चाहे जैन समाज का कार्यक्रम हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ से भाग लेते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान और मेहनत करते हैं। आज जो कांवड़ यात्रा के विषय में यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, इसके प्रेरणा स्रोत शक्ति महाराज हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आगे कदम बढ़ाया है। और इस संदर्भ में पूरे आरोन नगर की जनता और गाँवों की और आरोन ब्लॉक की जनता भाग ले रही है। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा प्रारंभ की जा रही है। ये हमारी शक्ति भाई का विशेष प्रयास रहा है। शक्ति भाई भी हमारे धर्मशील व्यक्ति हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये पहल की है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है, गर्व की बात है। और हम आरोन में प्रयास करेंगे हर समाज से, जैसा कि मैं हमारे कार्य समाज के लोगों को भी जोड़ूंगा, पूरी तरह प्रयास करेंगे हर समाज के वर्ग और भी प्रचार प्रसार हम बढ़ाएंगे करेंगे। अच्छी बात, बहुत खुशी की बात हो रही है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना रहता है। ये यात्रा हमारे आरोन नगर से निकलती हुई रामपुर भगवानपुर बन रही होती हुई देवपुर जाएगी, देवपुर धाम जाएगी, जो तीर्थ स्थान है देवपुर हमारे क्षेत्र का, बहुत सिद्ध स्थान है। मैं खुद उसमें अनुभव कर चुका हूँ देवपुर के लिए, तो मेरे काम हमेशा वहाँ से होते रहते हैं। जब भी जो सही भावना लेकर जाता है देवपुर में, उसके पूरे काम हमेशा होते ही हैं। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आधार कार्ड बनाने के लिए लूटे जा रहे खुलेआम जनता से पैसे। हम बात कर रहे हैं जनपद आरोन की। यहाँ पर आधार कार्ड बनाने के लिए 100 व 50 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से निशुल्क बनवाए जाते हैं। जब हमारी टीम व भाजपा मंडल महामंत्री पहलवान सिंह रघुवंशी ने इस कार्यालय का निरीक्षण किया तो लोगों ने बताया कि उनसे 100 व 50 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि आधार कार्ड बनवाने के नाम पर ले रहे हैं। साथ ही उन्हें कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। इस कार्यालय में आधार कार्ड भी समय पर नहीं बनते। वहीं आधार कार्ड न बनने से बच्चों का एडमिशन भी सही समय पर नहीं हो पा रहा। इस विषय की पुष्टि के लिए जब जनपद पंचायत सीईओ से बात करना चाहिए तो उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। अच्छा, संशोधन करवा भी आयो नाम को। संशोधन करवा। अच्छा, क्या बार फर गए? क्या बार फर गए? तीन बार फर गए। तीन बार, चौथी बार है। फिर जी कब बोल देते हैं अंदर? जा कह देते हैं, हाँ सुधार रहे हैं, साफ सुधार रहे हैं, कमरों ही सुधार रहे हैं। अच्छा, तीन चार चक्कर होगा, सुधार नहीं पा रहे हैं। नहीं सुधार पा रहे हैं। अच्छा,
पैसा ही मांग रहे हैं? पैसा मांग, कितने पैसा मांग रहे हैं? 30 रुपये एक सुधार में। हाँ। इसके बाद भी 8 दिन हो गए तुम्हें आता चक्कर लगाता है ना, 3 बार आप उनसे मिल ला, सुधार नहीं पा रहे। अच्छा, आप जनपद में किससे मिलने आए थे? जनपद में मैं सी यू मैडम से मिलने आया था, मुझे आधार कार्ड वाले जो जनता परेशान हो रही है उसकी शिकायत आई थी मेरे पास, उनसे कुछ लोगों से 50 रुपये ले रहे हैं, कुछ से 30 रुपये ले रहे हैं। एक बार में अगर वो सही नहीं होती उनकी कोई गलती है, दूसरी बार आते हैं तो दूसरी बार भी वो 50 या 30 रुपये लेते हैं। इस विषय पे मैं सी यू मैडम से मिलना चाह रहा था लेकिन उनने मिलने से इनकार कर दिया। हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। हारून नगर के ब्राह्मण समाज द्वारा कई जगह पौधारोपण किया गया। पौधारोपण सियाराम आश्रम के पास और अन्य जगह पर भी किया गया जिसमें 20 पेड़ लगाए गए। युवा ब्राह्मण समाज ने संकल्प लिया कि हर एक युवा 10-10 पेड़ लगाएगा, साथ ही ये संकल्प लिया कि पशु पक्षियों के लिए आगामी दिनों में पानी की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुजी आ गए का, गुरुजी आओ, हाथ लगवाओ, आओ महाराज, पानी तो मंगाओ, बाल्टी वाला आओ, ले वो हाथ लगाओ, सब आजाओ, वो पेड़ उसे रखे, पूरा जाओ, सब जाने ही, नीचे बैठ, काजू बैठ लो, काजू खड़े हो, चले जाओ, अरे भैया जाओ, ये तो देखने हैं, ये तो देखने हैं, हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बमोरी में लगभग 200 साल पुराने कब्रिस्तान पर शिक्षक तोरण सिंह ने चलाया ट्रैक्टर, जिसके चलते बाहर आए मुर्दों के कंकाल, जिसके चलते मुस्लिम समाज में रोष देखने को मिला। पुलिस ने मुस्लिम समाज की शिकायत पर धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज कई वर्षों से शवों को इसी कब्रिस्तान में दफनाते आ रहे हैं। इस पुराने कब्रिस्तान पर बमोरी के ही तोरण सिंह शिक्षक एवं दिनेश कुशवाहा ने रात्रि में बलपूर्वक ट्रैक्टर घुसाकर कब्रों को क्षति पहुंचाई एवं वहां पर हकाई करवा दी, जिससे कब्रों में दफन मुर्दों की हड्डियां कब्रों से बाहर आ गईं। इस घटना की जानकारी मुस्लिम समाज को लगी तो आक्रोशित मुस्लिम समाज थाने पहुंच गया, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत किया है। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। SDOP श्री रघुवंशी के मुताबिक दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में भेज दिया गया है। गांव के ही 95 साल के बुजुर्ग बाबू खान ने बताया कि यहां लगभग 100 से भी अधिक ज्यादा कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में मामला जो जमीदारी टाइम के हैं बेटा, हमारे बाप दादा टाइम के हैं, हमारे बाप और दादा टाइम के हैं जी, और 90 साल में पार कर गया जी। इसके बाद बुजुर्ग चले गए, फिर मैंने ही कफन दफन किया यहाँ का। अच्छा, इन कब्रिस्तानों में तो ये कौन कब्जा कर रहा है इस पे? तोरण माशा कर रहे हैं, इसका यहाँ कोई पहला कुछ नहीं था। अच्छा, जमीन पूरी पड़ी थी आसमान तक की। अच्छा, सब पड़ी थी ये। अच्छा, इसने पट्टे कराए, बाद में कराए, पहले कोई पट्टा नहीं कराया। अच्छा, कितनी कब्रें दफन होंगी यहाँ पे? 100 से ज्यादा होंगे। अच्छा, वहाँ से उधर के पेड़ पल्ले वो उधर पेड़ खड़े हैं वाली तरफ के, वहाँ से कब्र रास्ता कब्रिस्तान शुरू है। अच्छा, तो ये कौन ने हाँक दी है रात में? जो बोझ पा नहीं यार, तोर मास्टर के गिरफ्तार भी हो गए। तोर मास्टर के। अच्छा, उसके परिवार खुद वो ही होगा, बाकी बच्चे होंगे और कौन होगा? अच्छा, जी हड्डियाँ पड़ी हैं, ये किसकी है? आदमियों की हड्डियाँ। और क्या मामला रहा है? फरियादी अफरोज खान की रिपोर्ट पे धारा 295 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें आरोपी तोरम एवं जगदीश हैं, दिनेश हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और न्यायालय भेजा है। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।